देखिए कौन सा इंटर कॉलेज है सर? देशराज। किसी कॉलेज से हो आप लोग, बताइए। गोविंदनगर वाल्टरगंज बस्ती। क्या नाम है? अजय कुमार गुप्ता। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th फर्स्ट ईयर। आपने लुम्बिनी देखा, लुम्बिनी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे फिर से दोबारा आए। अच्छा। इससे ज़्यादा जगह घूमें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मंदिरें बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सफाई व्यवस्था कैसा है? सब बहुत अच्छा है। कहीं देख रहे हैं पॉलीथीन या कुछ गंदगी? नहीं। तो अपने यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसकी एक सीख लेकर जाओ, साफ सफाई को लेकर के, और कल्चर यहाँ के लोग कैसे बातचीत करते हैं सामने वाले से, और अपने इधर भी कुछ तो हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ये जनपद बस्ती से आए हुए हैं और ये बच्चे अभी लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली देखे और भी कई जगह घूमे होंगे मंदिरों को। हम कुछ बच्चों से जानकारी लेते हैं। आप लोग अभी आप सर बताइए, लुम्बिनी आपने देखा, कैसा लगा और क्या अनुभव मिला आपको? लुम्बिनी में जो है मैं पहली बार आया हूँ। बहुत दिनों से मेरा शौक़ था लुम्बिनी आने का, और यहाँ के मंदिर बहुत ही भव्य हैं और बहुत ही, जहाँ जहाँ भी गौतम बुद्धा के इंस्क्रिप्शन लिखे हैं उससे उसको मैंने बच्चों को पढ़वाया और कहा कि देखो, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग एनिमल्स लिखा हुआ है, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग द ह्यूमन बींग्स लिखा हुआ है। हमारे बच्चों ने इसको बहुत पढ़ा है हर चीज़ को, और बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही पीसफुल माहौल था यहाँ पर, खास तौर पे लोग बहुत अच्छे हैं हमको मिले। चलिए अच्छा, हम बच्चों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा? क्या देखे, कैसा लगा आपको यहाँ पर? लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। यहाँ पर क्या क्या आप अपने यहाँ जाकर के शेयर कर सकते हैं परिवार में बुद्ध के जीवन के बारे में? बुद्ध की जन्मस्थली देखे हैं हम लोग। और इन लोगों को एक चीज और बता दें कि मैंने इन बच्चों को कहा है कि जब तुम लोग आए हो तो इंग्लिश में एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, विजिट टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन विजिट टू लुम्बिनी, रिपोर्ट ऑन विजिट टू लुम्बिनी, और इसको हम अपने स्कूल के मैगजीन में पब्लिश करेंगे। अच्छा, मैगजीन आपके स्कूल से निकाला जाएगा? निकलने की है। हाँ, अच्छा, निकलती रहती है जी, जी। प्रत्येक वर्ष। अच्छा, तो आप कुछ बोलिए ना, कौन सी क्लास में, क्या नाम है? नाम बताओ अपना, डरा नहीं, बताओ। क्लास 11th। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके साथ में? कितने? प्रीति भारद्वाज, क्लास 11th। अच्छा, 108 बच्चे हैं। 108 बच्चे आए हैं, यानी हमको लगता है 108 बच्चे, 18 दो बस हैं, दो बस एक छोटी गाड़ी। देखिए ये सब टीचर लोग हैं, और अच्छा है जो बच्चों की से थोड़ा जानकारी मिलती बाहर जाने आने से, और कल्चर भी बदलता है कि नेपाल का कल्चर कैसा है यहाँ पर। यहाँ पर ये बताइए, साफ सफाई की व्यवस्था कैसा रहा? तो अपने यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने यहाँ तो एक पान का गुटखा खाएंगे रास्ते में फेंक देंगे, कहीं थूक देंगे, यहाँ कहीं आप देखे हैं? बीड़ी सिगरेट भी पी करके ऐसे फेंक देंगे? पॉलीथीन बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? उससे प्रदूषण बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? एक जगह लिखा भी हुआ था, डू नॉट लिटर, डू नॉट लिटर। मैंने बच्चों को बताया कि देखो, इसकी अंग्रेजी में जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है, तुम्हारे बच्चों ने बताया डू नॉट लिटर का क्या मतलब होता है। चलिए अच्छा, धन्यवाद। आप चाहिए, आपको आगे विजिट करना है।